दोस्तों बात करते हैं मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो काफी बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है, जो हर एक बीमारी में काम में आता है। सो बेसिकली बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन है, लेने के बाद क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या बेनिफिट है, कौन सी बीमारी में काम में आता है, कौन सी बीमारी में लेना चाहिए, कौन सी में नहीं लेना चाहिए और कितना सेफ है ये। तो हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन और हमेशा ही आपके मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस लेके आता हूं। मोनोसेप ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हर एक प्रैक्टिशनर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हर एक प्रैक्टिशनर इस इंजेक्शन को लगाता है। IM लगा सकता है, IV लगा सकता है, दोनों रूट बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है। एक्चुअली ये क्या इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन है जो कि आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया होता है उन बैक्टीरियाज को मारने के लिए उनकी डायरेक्ट सेल वाल, उनकी जो बाहरी परत है ना उस पे अटैक कर देता, और बाहर से डायरेक्ट अटैक करेगा तो डेफिनेटली उनको मरना ही है, वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट वो सेल वाल पे एक्ट करता है। ये कौन कौन सी बीमारी में काम में ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइफाइड में काम में लिया जाता है, उसके बाद न्यूमोनिया है उसमें काम में लिया जाता है, और अगर कोई किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको मोनोसेप ही एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से रूट में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसको है ना IV इंट्रावीनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट पुश कर रहे हो तो बहुत ही स्लो, मतलब आप अगर है ना 1 ग्राम पुश कर रहे हो तो उसको 3 से 4 मिनट तक पुश करिए और पेशेंट से बात करते रहिए, उसको पूछिए कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको अनइजीनेस तो नहीं आ रही, कम कमी तो नहीं आ रही, चक्कर तो नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कोई रिएक्शन, दवा रिएक्शन तो नहीं कर रही है। और अगर आप IM लगा रहे हैं कोल्हे पे जो लगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा डीप पुश करिए, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट काफी है ना गांठ बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आप अपर लेवल पे ही पुश करते हैं। उसके बाद में इसकी साइड इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेग्नेंस लेडी को यस हाँ लगा सकते हैं, बहुत ही सीवियर चांसेस है। लेकिन अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उस माँ को आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंजेक्शन जो ड्रग एक्सपोजर होगा ना वो बेबी में जाएगा ब्रेस्ट के थ्रू, ब्रेस्ट जो बच्चा जो दूध पीता है उसके थ्रू बेबी में जाएगा और बेबी में कॉम्प्लिकेशन करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको लीवर में दिक्कत है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, आपको अपने प्रैक्टिशनर को डेफिनेटली इस बारे में अवेयर करवा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो अनअवेयर है, लेकिन आपको लीवर की दिक्कत है तो और ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी अगर आपने नहीं बताया तो। नेक्स्ट बात करेंगे किडनी, किडनी मरीज को दे सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं, और डोज कितनी, इसकी डोज है ना 1 ग्राम हो सकती है, 500 ग्राम हो सकती है, 250 ग्राम हो सकती है। सो बेसिकली इसको मेडिकल साइंस में 20-40 mg पर केजी के हिसाब से एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके व्यूज लाइक्स थोड़े कम पड़ गए तो थोड़ा और पावर दो यार, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थोड़ा सा है ना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।